नमस्कार, स्वागत है आपका ओमान न्यूज़ हिंदी में एक बार फिर से। ओमान में चक्रवाती तूफान से हुए नुकसान को जल्द से जल्द कवर अप किया जा रहा है। जहां पे बुनियादी सेवाएं नहीं है वहां पे तीनों सेनाओं ने मिलकर के युद्ध स्तर पर लोगों के मदद को आगे आ रही हैं। जो लोग अभी भी परेशान हैं उन तक खाना पानी दवा या फिर जो भी उनकी आवश्यकता की चीजें हैं उनको पहुंचाई जा रही है। देखिए, ओमान में जो इमरजेंसी हेल्पलाइन ओपन की गई थी उसमें 3 दिनों के अंदर 36,000 रिक्वेस्ट मिले हैं जहां पे लोगों के मदद की आवश्यकता थी। और ओमान की सेनाओं ने 654 लोगों को अलग अलग स्थानों से रेस्क्यू किया है। 57 पीपुल जो कि वादियों में फंसे हुए थे उनको निकाला है। 66 लोग अपने गाड़ियों में फंसे थे उनको रेस्क्यू किया गया है। 138 जगहों पे एयरलिफ्टिंग के मदद से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। 91 परिवार ऐसे थे जिनके घर पूरी तरह से जलमग्न हो गए थे और इन परिवारों को बस एक ही उम्मीद थी, ओमान के सेनाओं का हेल्प कितना जल्दी इनके पास पहुंचता है। और ओमान की सेनाओं ने जो हवाई निगरानी के तहत इन लोगों को आइडेंटिफाई किया, खोजा और उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिए गए। देखिए, जो बुनियादी सेवाएं हैं उसको फटाफट से ठीक किया जा रहा है। युद्ध स्तर पर लोगों तक सेवाएँ पहुँचाई जा रही हैं। जो बिजली है, जो पानी है, जो खाना है, चाहे रोड की कनेक्टिविटी हो गई, इन सभी चीज़ों के ऊपर सुल्तान हैतम बिन तारिक का सबसे ज़्यादा ध्यान है। और इस पर कड़ा निर्देश जारी हुआ है कि जल्द से जल्द प्रभावित लोगों तक मदद पहुंचाई जाए। राष्ट्रीय आपदाकालीन प्रबंधन समिति ने एक अस्थायी ऑफिस संचालन केंद्र स्थापित किया है, जिससे अल सुवाइक और उत्तरी अल्बतीना के राज्यपाल में जिन निवासियों के घरों को क्षति पहुंची है, नुकसान हुआ है, उन लोगों की मदद की जा रही है, उनके घरों को रिपेयर किया जा रहा है। पिछले 3 दिनों के अंदर चक्रवाती तूफान से मरने वालों की संख्या 11 हो गई है। सुल्तान के सशस्त्र बल और रॉयल ओमान पुलिस और नागरिक सुरक्षा एम्बुलेंस प्राधिकरण ने मिल करके जो लोग अभी भी मिसिंग हैं इनके खोज का जो अभियान है स्टार्ट कर दिया गया है। तीनों सेनाएं मिल करके लोगों को रेस्क्यू कर रही हैं, खोज रही हैं कि अभी भी कोई ऐसे व्यक्ति ना हो जो फंसे हुए हो। जो देखिए, कुछ सड़कों को खोल दिया गया है और कुछ के ऊपर जो साफ सफाई का काम है, मेंटेनेंस का काम है, जारी है। नागरिकों और निवासियों से खतरनाक क्षेत्रों में जाने के प्रति सावधानी बरतने की अपील की गई है। और देखिए, चक्रवाती तूफान से आने वाली स्वास्थ्य चुनौतियों के बारे में स्वास्थ्य मंत्रालय ने मीटिंग किया है कि किस तरह से चक्रवाती तूफान के बाद मच्छरों का प्रकोप बढ़ जाएगा, कौन से ऐसे रोग हैं जो ज्यादातर फैलने की संभावना, और इसके लिए जो चिकित्सा उपकरण है, जो दवाएं हैं, जो मेडिकल स्टाफ है, इन सब चीजों के बारे में प्लानिंग की जा रही है। देखिए, ओमान में इस समय प्रभावित लोगों तक साफ पानी और साफ खाना और दवाएं सबसे जरूरी चीज है कि उन तक सबसे पहले पहुंचे, और इसके ऊपर पूरी तरह से ओमानी सरकार काम कर रही है। ओमान चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन ने घोषणा की है कि ओमान के जितने भी व्यवसायी हैं, प्रतिष्ठान हैं, लोगों से हम आग्रह करते हैं कि आप ओमान में प्रभावित होने वाले लोगों के लिए कुछ धन इकट्ठा करिए। और इसके लिए don.om पे जाकर के जो आप चैरिटी है, दान है, दे सकते हैं, डोनेशन दे सकते हैं। देखिए, ओमान के प्रभावित लोगों को इस पैसे से मदद पहुंचाई जाएगी। ओमान में राष्ट्रीय आपदा से निपटने के लिए लोगों तक जल्द से जल्द तत्काल सहायता पहुंचाने के लिए बैंक मस्कट ने 1 मिलियन ओमानी रियाल के धन देने की घोषणा की है, जो कि ये योगदान है ओमान चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से लोगों तक चैनलाइज किया जाएगा, उन तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। कुछ लोगों के अकाउंट में डायरेक्ट धनराशि भेजी जाएगी जो लोग ज्यादातर प्रभावित हैं। और देखिए, ओमान के श्रम मंत्रालय ने प्रवासी वर्कर या फिर निवासी, जो भी वर्कर गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, उन कंपनियों से रिक्वेस्ट किया था कि आप वर्करों को छुट्टी दीजिए ऐसी जगहों में जहां के वर्कर काफी ज्यादा प्रभावित हैं इस तूफान की वजह से, लेकिन जहां पे स्थिति ठीक है वहां के वर्कर अभी ड्यूटी पे जा रहे हैं, लेकिन जो प्रभावित हैं वहां पे छुट्टी देने की जो निर्देश श्रम मंत्रालय ने दिए हैं। और ये भी निर्देश दिया था कि इन लोगों की सैलरी नहीं कटनी चाहिए, क्योंकि ये लोग मजबूरी है इनकी कि ये नहीं आ सकते हैं काम पर, और ऐसे आपदा के समय में यदि आप इनके वेतन की कटौती करेंगे तो इनके परिवारों के ऊपर भी संकट आ जाएगा, क्योंकि इस समय इनको और आर्थिक सहायता की आवश्यकता है। सेंट्रल बैंक ऑफ ओमान ने चक्रवाती तूफान से जो लोगों को आर्थिक नुकसान हुआ है उनके लिए एक प्रोत्साहन पैकेज जारी किया, यानी कि यदि आपने इस बैंक से लोन लिया हुआ है और आपकी EMI चल रही है और आप प्रभावित हुए हैं, आपकी नौकरी चली गई है या फिर चक्रवाती तूफान से आपको काफी नुकसान हुआ है, तो ऐसे में 2022 के दिसंबर तक आपको जो ब्याज है वो माफ किया जाएगा, और इसके रिकवरी के ऊपर भी आपके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा समय ये बैंक देगा ताकि लोगों को ऋण चुकाने में ज्यादा
ज्यादा परेशानी ना हो। देखिए सेंट्रल बैंक ऑफ ओमान ने चक्रवाती तूफान से प्रभावित होने वाले लोगों के लिए 7 मिलियन ओमानी रियाल आवंटन करने की घोषणा की है, यानी कि 7 मिलियन ओमानी रियाल पैसा सीधे प्रभावित व्यक्ति के अकाउंट में भेजा जाएगा और ये 7 मिलियन अगले 5 महीनों के दौरान लोगों के अकाउंटों में भेजे जाएंगे। देखिए ओमान में चक्रवाती तूफान का असर T20 वर्ल्ड कप के तैयारियों पर नहीं पड़ा है। बांग्लादेश की टीम मस्कट 4 अक्टूबर को पहुंच गई है T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा बनने के लिए। इंग्लैंड की टीम ने भी मस्कट में अपना कदम रख दिया है, यानी कि ओमान प्रभावित लोगों की मदद के साथ साथ जो आने वाले जो इवेंट्स हैं उसकी भी तैयारियों में लगा हुआ है। एयर इंडिया ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि भारत से ओमान के लिए अलग अलग शहरों से डायरेक्ट फ्लाइटें संचालित किया जा रहा है और इसके लिए विंटर सीजन का पूरा शेड्यूल ओपन हो चुका है और बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। यदि आप जाना चाहते हैं इंडिया से तो सीधे फ्लाइटें आपके शहर से अवेलेबल हैं आने और जाने के लिए। भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पिछले 24 घंटों का आंकड़ा जारी करते हुए बताया कि भारत में 18,833 नए कोविड मामले दर्ज हुए हैं और जो कि 203 दिनों का सबसे कम आंकड़ा है और इस समय एक्टिव केस 2,46,687 हैं और जो वैक्सीनेशन की दर है वो 90 करोड़ को पार कर चुकी है। फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा लाइक करके जरूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि ओमान से जुड़ी हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिए। नमस्कार।